अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो आप लोगों से दूर होंगी। सो फाइनली वेलकम बैक विथ एन अदर वीडियो। सो फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक ही हमारे पास आजकल क्या कहते हैं डिस्कस का टॉपिक है। खैर अब हम वो टॉपिक बंद करने वाले हैं बहुत जल्द, और मेरा आज का संडे व्लॉग आने वाला है। सो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज आप लोग के बगैर हम कुछ भी नहीं है, तो नीड योर सपोर्ट। पॉजिटिव व्लॉग्स को सपोर्ट करें, पॉजिटिव चीज़ों को सपोर्ट करें। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे हैदराबाद, हमारे छोटे से हैदराबाद के शहर में भी बहुत कुछ है, ठीक है। सो जो मैं आप लोग से जो फाइनली कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ, अभी मैंने मरियम फ़ाहत की वीडियो देखी और रात को सितारा यासीन का इंस्टाग्राम पर लाइव पर देखा। डोंट नो, दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्या वजह है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सितारा यासीन ने अपनी आईब्रोज जो है वो की हैं, शेव की हैं। अगर उन्होंने की है तो बहुत गलत किया है, और अगर नहीं की व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स के लिए या जिस भी रीज़न के लिए नहीं की, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। बट अगर उन्होंने की है तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनके बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े होके कल को वो ये वीडियोज़ देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, तो उनके मेंटली वो चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब करेंगी। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। आप लोग तो कर लेते हैं पर बाद में जो बच्चों को उसके लिए पे ऑफ करना पड़ता है वो बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ ये कहूँगी, सलमा यासीन आपने बहुत गलत किया अपनी बहन के साथ। जो भी था, जैसा भी था, आपको पब्लिकली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पब्लिकली मीन्स शुक्र अलहमदिल्ला। तो आप लोग को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आपने ये चीज़ें की, आप पर्सनली उनसे ये मैटर डिस्कस करती हैं, आपको अपने बायकॉट कर देती अपनी बहन से मिलना। जो भी थे गिले शिकवे, अपने बड़ों को बिठाती, अपनी अम्मी को बिठाती, अपने बड़े भाइयों को बिठाती, अपने हस्बैंड को बिठाती, अपनी बहन को बिठाती। अगर वाकई ऐसा था तो आपको ये चीज़ें ऐसे डिस्कस करनी चाहिए थी। अदरवाइज़ आपका जो तरीका था यूट्यूब पे आके, उसमें जो है आपने बहुत गलत किया। और मेरे नज़दीक नैना जो हैं, जो मतलब सुसाइड कर चुकी हैं, ड्रामा किया, जो भी किया, वट एवर, शी डिड इट। सो बहन आप ये सब गलत कर रही हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों आप जो आपकी आपको ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं, ठीक है। तो अपनी ओवर एक्टिंग को बंद करें और बी अ न्यूट्रल जेन्युइन पर्सन। बहनों को आपस में ना लड़वाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जवेरियस शोएब, पता नहीं जवेरियस आरिफ, आई डोंट नो हु शी, तो सितारा सिसू, यू शुड हैव टू कम बैक, प्लीज़ इतना ओवर एक्टिंग ना करें कि आवाम के गले से ना निकले, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू बोलें ना कि दूसरों के बोलें। वेलकम बैक सून सितारा सिसू, आई एम मिसिंग यू बिफोर एवर शेवर पेवर, आई कॉन्ट स्पीक लाइक दिस। सो प्लीज़ ऐसा ना करें और अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें। आज से मैंने एक हफ़्ते पहले आपको देखा कि आप सितारा यासीन को बोल रही हैं, सितारा यासीन तुमने गलत किया अपनी बहन के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कल के व्लॉग में आप बोल रही हैं, सितारा आई एम मिसिंग योर व्लॉग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सो प्लीज़ इतनी ओवर एक्टिंग ना किया करें आप लोग अपने व्लॉग्स में। जो रियलिटी है उसको दिखाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं, और बस यही कहना चाहूँगी। अब सितारा ने अगर ऐसा किया है तो अपने आईब्रोज के साथ नहीं करना चाहिए था। और प्लीज़ किसी को भी इतना, आपको पता है हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कितने मर्डर्स और क्या क्या होता है। आप लोग सोशल मीडिया पे इतना कर देते हैं, अगर कल को उस बंदी को किसी ने कुछ नुकसान पहुँचाया चीज़ें, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। बराए मेहरबानी किसी को भी इतना मजबूर ना करें कि वो सुसाइड या किसी गलत रास्ते की तरफ जाए, ठीक है। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो ये बात याद रखिएगा कि चार उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो बी अ पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिविटी फैलाएं। आप लोगों को रोस्ट कर सकते हैं फ़नी चीज़ें लेके, फ़नी बातों के साथ रोस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी के करेक्टर पर आप बात करें। बराए मेहरबानी करेक्टर्स पर बात करना बंद कर दें। आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी के भी करेक्टर पर इल्ज़ाम ना लगाएं, उसकी ज़ात हर्ट होती है। हर कोई इंसान है, कोई भी फरिश्ता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरा संडे व्लॉग आज रात को आ जाएगा इंशाल्लाह, वरना कल मॉर्निंग में आएगा। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वेट करिएगा मेरे व्लॉग का। और आप लोग को पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।